हाई टाइड हो, समुद्री टाइफून हो, या समुद्री भंवर, या फिर सुनामी की गगनचुंबी लहरें, समुद्र की अथाह गहराई जितनी डरावनी उससे ज्यादा डरावनी होती है समुद्र की सतह पर हलचल। अब आप ही सोचिए, कोई कैसे सोच सकता है समुद्र की लहरों पर ब्रिज बनाने का, पुल बनाने का, या कोई भी बड़ा ढांचा खड़ा करने का। लेकिन आज की तारीख में जो जीव पृथ्वी की सतह पर राज कर रहा है उसका नाम है इंसान। और इंसान ने अपनी बुद्धि बल का इस्तेमाल कर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है समुद्र की लहरों पर काबू पाने की। अपनी इंजीनियरिंग स्किल और टेक्नोलॉजी के बदौलत हम इंसानों ने बीच समंदर में ऐसे ऐसे विकराल कंस्ट्रक्शन कर दिखाए जिसके बारे में आज से कुछ सालों पहले सोचना भी अपराध होता था। फिर चाहे बीच समंदर में पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने का काम हो, बड़े बड़े विंड फार्म बीच समंदर में लगाने का प्रोजेक्ट हो, या बड़े से बड़ा पुल बनाने का काम, आज का हमारा ये वीडियो उसी इंजीनियरिंग कौशल पर आधारित है जिसके बल पर इंसान ने समंदर पर फतह प्राप्त कर ली है। आइए जानते हैं उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जिसके चलते अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स समुद्र की सतह पर खड़े होने लगे। द डेंजरस विंड फार्म। दोस्तों, आपने कभी ना कभी बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को जरूर देखा होगा। वैसे आपको बता दें कि भारत में भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर इस तरह की पवन चक्कियां लगाई जा रही हैं। और जाहिर है आपने ऐसे बड़े बड़े विंड मिल ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इन्हें समंदर में देखा है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हम सही बोल रहे हैं। 2016 का वक्त था और जर्मनी की सरकार को एक बिल्कुल नया आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना समंदर के ऊपर पवन चक्कियां लगाई जाए, और इसके लिए उनके पास एक परफेक्ट लोकेशन भी थी। वो लोकेशन थी वहां की नॉर्थ सी पर, क्योंकि वहां पर हमेशा काफी तेज हवाएं चलती रहती थी और पवन चक्की लगाने के लिए ये सबसे बेस्ट लोकेशन थी, ताकि वहां की हवा की जो ऊर्जा थी, तेज हवाओं से जो पवन चक्की चलती थी उससे टर्बाइन घूमता और बिजली उत्पन्न की जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर पानी में, यानी समंदर के पानी में, इन विशालकाय पवन चक्कियों को कैसे खड़ा किया जाए। इन बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को लगाने के लिए भारी भरकम पाइप्स का इस्तेमाल किया गया। एक एक पाइप 85 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा था और इनका वजन 1300 टन था। आखिरकार इन बड़े बड़े पाइप्स की वजह से आज इस जगह पर 67 टर्बाइन और 154 रोटर लगा दिए गए, जिसकी वजह से ये सब मिलाकर 402 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 402 मेगावाट आखिर होता कितना होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 मिलियन वाट मिलाकर 1 मेगावाट बनता है, और आपके घर में जो बल्ब जलता है वो 100 वाट का होता है। अगर इसे आप सरल भाषा में समझे तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा बिजली होती है कि 4 लाख घरों को पूरी तरीके से रोशन कर सकती है। और सबसे हैरान की बात यह थी, इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ 23 महीनों में पूरा कर लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इंसानी दिमाग कुछ करने पर उतारू हो जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन ब्रिज ऑन द सी। यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत ही पुराना ब्रिज हुआ करता था। 21वीं सदी के आते आते यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने देखा कि ये पुराना ब्रिज पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और इसे फिर से बनाने की जरूरत है। ये वो ब्रिज था जो स्टेट्स ऑफ मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन को एक साथ जोड़ता था, लेकिन इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन इसे नए तरीके से बनाने के लिए इस पर बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि वहां की ऐतिहासिक धरोहर थी, जिसकी वजह से इसे तोड़कर फिर से बनाना लगभग मुमकिन नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस ब्रिज को सेंट क्रॉक्सिक्स रिवर के ऊपर बनाया गया था, जहां पर बहुत ही रेयर जीव पाए जाते हैं, और यही वजह थी कि इस जगह को बचाने के लिए यहां पर बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हमेशा एक्टिव रहते हैं। और एक्टिविस्ट के विरोध का सामना करना सरकार के बस का नहीं था। करीब 20 सालों तक इन सारी परेशानियों की वजह से इस ब्रिज को नए तरीके से बनाने का काम नहीं किया जा सका। लेकिन फिर 2014 में मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस ब्रिज को बनाने का बिल्कुल एक नया डिजाइन तैयार किया। ये डिजाइन सबको पसंद आया, क्योंकि इस डिजाइन की वजह से ना ही इस ब्रिज की ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचने वाला था और ना ही यहां पर रहने वाले जीव जंतुओं को कोई नुकसान पहुंचने की आशंका थी। इस ब्रिज को बनाने के लिए इन्होंने इसमें कम से कम कॉलम्स लगाए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा ब्रिज 1.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें सिर्फ 5 सपोर्टिंग कॉलम्स लगे हुए हैं। अब आप सोचकर देखिए, ये सिर्फ 5 कॉलम्स की वजह से ये 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज आज भी टिका हुआ है। लेकिन इस ब्रिज को बनाना इतना आसान नहीं था। ऐसे बहुत सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से इस ब्रिज को बनाने की कीमत $700 मिलियन तक पहुंच गई थी। कॉफर डैम। जब आप समंदर के ऊपर बड़े बड़े विशालकाय ब्रिजेस को देखते हैं तो मन में हमेशा एक सवाल जरूर उठता होगा कि
कि आखिर पानी के ऊपर इस ब्रिज को बनाया कैसे गया होगा, आखिर कैसे पानी के अंदर इसकी नींव को खड़ा किया गया होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में जितने भी ब्रिजेस पानी के ऊपर बनाए गए उन्हें आखिर कैसे बनाया जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि पानी के ऊपर ब्रिज के कॉलम्स बनाने के लिए शायद इंजीनियर्स डाइविंग सूट पहनकर पानी के अंदर जाते होंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम करते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हैं कि एक ब्रिज कितना ज्यादा भार सहन करता है, इसलिए इसके कॉलम्स मजबूती से बनाना बेहद जरूरी है और किसी भी कॉलम को बनाने के लिए एक सूखी सतह की जरूरत होती है। लेकिन पानी के अंदर इस तरह का कॉलम बनाना कोई आसान बात नहीं और इसीलिए पानी के अंदर कॉलम बनाने के लिए इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है कॉफर डैम। यह बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल आकार का होता है जिसे उस जगह पर बिठा दिया जाता है जहां पर ब्रिज का कॉलम बनाना है। एक कॉफर डैम असल में स्टील और कंक्रीट से बना हुआ होता है। जैसे ही इसे पानी के अंदर डाला जाता है ये एक जगह पर स्टेबल हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर के पानी को पावरफुल पंप की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और थोड़ी देर ही बाद इसके अंदर की जगह पूरी तरीके से सूख जाती है और तब जाकर यहाँ पर कॉलम बनाने का काम शुरू होता है। आपको बता दें कि इस तरह के कॉफर डैम बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इन्हें एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है और जब ये एक बार इस्तेमाल हो जाते हैं इसके बाद इसे पानी में बहा दिया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े ब्रिजेस के कॉलम कैसे खड़े किए जाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। आपने समंदर में तैरते हुए बड़े बड़े तेल के कुएं तो जरूर देखे होंगे, लेकिन मन में हमेशा ये सवाल उठता होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े तेल के कुएं पानी में इतने लंबे समय तक रहते कैसे हैं, टिकते कैसे हैं और इन्हें पानी के ऊपर बनाया कैसे जाता है। तो आइए आज इसकी गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको जाएंगे तो आपको वहां पर इस तरह के बड़े बड़े समुद्र के ऊपर तैरते हुए तेल के कुएं बड़े आसानी से मिल जाएंगे। देखने में तो ये जितने आसान दिखते हैं उतने हैं नहीं। असल में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बनाने के लिए ढेर सारे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती थी और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसका नाम था एपोमोटॉक्स। करीब 4 साल की मेहनत के बाद इंजीनियर्स ने इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया था। ये 29 स्टोरी ऊंचा था और 2 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा और इसके वजन की बात की जाए तो बिल्कुल एक विमान की तरह वजनी था। इस प्लेटफॉर्म को बनाते वक्त इसके निर्माता यही चाहते थे कि प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा मजबूत हो कि कम से कम 40 सालों तक इसे कुछ भी ना हो। लेकिन 40 सालों तक इसे सुरक्षित रखना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि तो देखा जाए तो इस तरह के तेल के कुएं बहुत ही खराब वातावरण में लगाए जाते हैं और इनके ज्यादातर पार्ट्स करीब 2.5 किलोमीटर तक समुद्र के पानी में डूबे रहते हैं। इसीलिए इस पूरे प्लेटफॉर्म को 40 सालों तक संभाल कर रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत मॉड्यूल बनाने की जरूरत थी और आखिर में इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से स्टेबलाइज रखने के लिए 4 मॉड्यूल्स बनाए गए। करीब 2 सालों की मेहनत के बाद ऐसे 4 मॉड्यूल्स बनाए गए जो इतने भारी भरकम प्लेटफॉर्म को समुद्र के ऊपर 40 सालों तक सुरक्षित तरीके से रख सकते थे। ये इतने ज्यादा भारी भरकम मॉड्यूल थे कि एक मॉड्यूल का वजन 10,000 टन था, यानी कि एक मॉड्यूल का वजन 10,000 टन था। सोचिए इन मॉड्यूल्स की वजह से ही ये भारी भरकम 2 फुटबॉल मैदान जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स बड़ी आसानी से आज के वक्त समुद्र के ऊपर तैरते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लड प्रोटेक्शन। दोस्तों आज के समय बाढ़ जैसी समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई और इसी से बचने के लिए आज ज्यादातर क्षेत्रों में बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। और ठीक इसी तरह अभी आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो यूके के हीलिंग आइलैंड का कंस्ट्रक्शन है। बात उस वक्त की है जब इस द्वीप का समुद्री तट धीरे धीरे ढहने लगा था और यहाँ पर मौजूद 1800 घर कभी भी समंदर में बह सकते थे। आखिरकार इस जगह को बचाने के लिए पर्यावरण एजेंसी और रेमंड ब्राउन कंस्ट्रक्शन ने इस जगह पर काम शुरू किया। इस जगह को बाढ़ से बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि यहाँ की समुद्री लहरों में बहुत ज़्यादा उफान था, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम करना इतना आसान नहीं था। आखिरकार कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए एक नया तरीका खोजा गया। समुद्र की लहरों से बचने के लिए उस जगह पर बहुत सारे पत्थर लगाए गए और वहाँ की रेत को समतल किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन इस जगह पर करीब 70,000 टन पत्थर नॉर्वे से इंपोर्ट कराए गए थे और इन पत्थरों से 650 मीटर एक लंबी दीवार बनाई गई थी। इसके बाद इस पूरी जगह पर 25,000 टन कंकड़ पत्थर बिछाए गए थे ताकि इस जगह पर समुद्री स्तर को कंट्रोल किया जा सके। यह पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करीब 6 महीनों तक चला और इन 6 महीनों में यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों ने लगातार काम किया, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को करना इतना आसान इतना सस्ता भी नहीं था। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को करने में करीब $6.5 मिलियन खर्च हुए, लेकिन इतना जरूर है कि इस कंस्ट्रक्शन के हो जाने के बाद ये जगह अब 100 सालों तक पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों ये थे वो इंजीनियरिंग कौशल, वो इंजीनियरिंग स्किल्स
जिसके बदौलत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इंसान ने समंदर तक पर काबू पा लिया, समंदर की शक्ति को कंटेन कर लिया। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप सबको ज्ञानप्रद लगा होगा, अगर लगा तो इसे अभी तक सीमित न रखें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।